वेलकम टू द विजिंग यूट्यूब चैनल। मैं रविशंकर सर आज आपके सामने करेंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में भी बहुत चीज़ें डिस्कस किए थे और इस क्लास में फिर से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बीच में स्टूडेंट कुछ गैप हो गया था, तो प्लीज़ उसके लिए आई एम सॉरी बीच में कुछ गैप के कारण। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो 1 नवंबर से और बिल्कुल आज से लेकर आपका टिल जब तक हम चलते रहेंगे तब तक ये करेंट अफेयर आपका क्लासेस वीक वाइज 10 डेज पे हम आपका क्लासेस कंटिन्यू लेते रहेंगे। इससे क्या होगा कि आपको हर तरह से करंट अफेयर करने में इजी होगा। एक और बात है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वो ये है कि जो हम करंट अफेयर जो आपके स्क्रीन पे डिस्कस हो रहा है ये हम लोग वीकली 10 डेज पे करेंगे। प्लस साथ ही साथ यहाँ पे क्या करेंगे आपके साथ कि अगर आप हमारे साथ लगे रहोगे तो पूरा का पूरा करंट अफेयर आपका कवर हम कर देंगे, नेशनल प्लस इंटरनेशनल लेवल के जितने भी तरह के करंट अफेयर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो स्टूडेंट आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं ये करंट अफेयर क्लासेस आपके जितने भी तरह के स्टेट पीएससी एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपके एपीएससी हो या फिर जो भी स्टेट का एग्जाम्स हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो और किसी भी तरह के स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, हर एग्जाम्स में आपके करंट अफेयर नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे हम आपके कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का क्लासेस। पहला जो सबसे पहली बात है, जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये जो आपका अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले करंट अफेयर में हम लोग 3 सीरीज में डिस्कस करते हैं, जो कि पहले हम ऑलरेडी बात आपके कर चुके हैं कि जैसे एक हो गया अपॉइंटमेंट का सेक्शन है ना, और दूसरा हो गया आपका न्यूज का सेक्शन, और तीसरा हो गया आपका ओबिचेरी का सेक्शन है ना। जो स्टूडेंट पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं बिल्कुल आप टेंशन नहीं लेना, मैं आपको हर तरह से बहुत ही ईजिएस्ट वे में मैं आपको सॉल्यूशन दे जाऊंगा। अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करूं तो 1 से लेकर 10 नवंबर के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो रहे हैं सारे के सारे हम आपको यहां पे कवर करने जा रहे हैं। तो जो पहला जो अपॉइंटमेंट आपके स्क्रीन पे जो डिस्प्ले हो रहा है वो है आपका गिरिधर अरमाने टेक्स चार्जेस एज द डिफेंस सेक्रेटरी। सो स्टूडेंट सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हु इज अपॉइंटेड एज द डिफेंस सेक्रेटरी, तो आप याद रखना गिरिधर अरमाने, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज होगा। डिफेंस की अगर मैं बात करूँ तो डिफेंस मिनिस्टर हमारे इंडिया के कौन है, तो आप बता सकते हो राजनाथ सिंह एट प्रेजेंट द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करूँ इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है लखनऊ उत्तर प्रदेश। सो लखनऊ यूपी इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया ऑफ गिरिराज सिंह एंड डिफेंस सेक्रेटरी, जिनको अपॉइंट किए गए गिरिधर अरमाने को। चलिए स्टूडेंट अब यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको वन लाइनर पढ़ना है। जैसे गिरिधर अरमाने 1988 बैच आईएएस ऑफिसर ऑफ आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश कैडर से हैं और इनको डिफेंस सेक्रेटरी बनाया गया 1 नवंबर 2022 को। ही वाज अर्लियर एडिशनल सेक्रेटरी इन द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है ना, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में ये एडिशनल सेक्रेटरी पहले थे। द डिफेंस सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑफकोर्स ये बातें आप सभी को पता है। ऑल्सो अमृत लाल मीना 1989 बिहार कैडर आईएएस ऑफिसर टुक ओवर द चार्जेस ऑफ सेक्रेटरी इन कोल मिनिस्ट्री ऑन 1 नवंबर। तो देखिए यहाँ पे कोल मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी का जो चार्जेस मिला है वो मिला है अमृत लाल मीना को। तो यहाँ पे आपके दो इन्फॉर्मेशन आ गए, पहला इन्फॉर्मेशन आ गया गिरिधर अरमाने का जो कि डिफेंस सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए, दूसरे पर्सन का नाम आ गया अमृत लाल मीना का। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के सेकेंड और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की तरफ। संजीव चोपड़ा, नाम सुना होगा आपने, बहुत बार ये न्यूज़ में आए भी हैं। संजीव चोपड़ा अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ DFPD। DFPD की अगर मैं बात करूँ डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री है ना, तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री के अंदर में इसके सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं संजीव चोपड़ा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। देखिए सेक्रेटरी की मैं बात करूँ, जब भी सेक्रेटरी का न्यूज आता है, क्योंकि देखिए अभी जो एग्जाम का जो ट्रेंड है स्टूडेंट, बेसिकली क्या होता है, पहले बोलते थे बताओ तो भाई डिफेंस मिनिस्टर कौन है, होम अफेयर मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, लेकिन अभी जो स्टूडेंट जो एग्जाम का जो ट्रेंड चल रहा है वो है सेक्रेटरी का। एग्जाम में सेक्रेटरी ज्यादा करके पूछे जा रहे हैं, या फिर दूसरे तरह के अगर कुछ क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो आएंगे रिलेटेड टू द
कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बार एग्जाम में पूछा गया था निर्मला सीतारमण की कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया क्या है, तो आप सभी को पता है निर्मला सीतारमण की कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है व्हाट, कर्नाटका, राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर्नाटका। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ, थर्ड नंबर न्यूज की तरफ, फिक्की है ना। सबसे पहली बात, फिक्की के नेक्स्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं शुभ्रकांत पांडा है ना। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए ये बनता है, सर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फिक्की, फिक्की का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको देखो स्टार्टिंग में लिखा हुआ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फिक्की की मैं बात करूं, फिक्की के न्यूली प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए जिसका नाम है शुभ्रकांत पांडा। तो देखिए ये न्यूज वन लाइनर आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो कि आप एक वन लाइनर पढ़ के आप देख सकते हो, द फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 2nd November 2022 नेम शुभ्रकांत पांडा एज इट्स नेक्स्ट प्रेसिडेंट। पांडा द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयस लिमिटेड इज करेंटली सर्विंग एज द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की, जो कि ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में ये ऑलरेडी तैनात है यहाँ पे और इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया फिक्की के नए प्रेसिडेंट। चलिए पांडा विल सक्सीड संजीव मेहता, पहले फिक्की के प्रेसिडेंट कौन थे, संजीव मेहता, इसको सक्सीड करके शुभ्रकांत पांडा बनेंगे एज द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की एट द कंक्लूजन ऑफ 95th AGM टू होल्ड इन दिसंबर 2022 के बाद है ना, जो फिक्की के नए प्रेसिडेंट के रूप में हमारे सामने आएंगे उनका नाम है शुभ्रकांत पांडा। फिक्की की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट फिक्की का फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। फिक्की को स्टैब्लिश हमारे इंडिया में कब किया गया, 1927, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। फिक्की का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, तो मोस्टली आप देखो जितने भी तरह के अगर आप जैसे FCI की बात करें या फिर मैक्सिमम हेडक्वार्टर्स जो होते हैं या तो दिल्ली होते हैं या फिर मुंबई होते हैं, शायद ही कुछ ऐसे हैं जिसका हेडक्वार्टर्स या तो कोलकाता होता है, गुरुग्राम होता है, हैदराबाद होता है, बहुत ही कम ऐसे हैं। सो मोस्टली दिल्ली होते हैं, तो फिक्की का भी हेडक्वार्टर स्टूडेंट यहाँ पर दिल्ली ही होगा। चलिए CEO तैयब इकरम है ना, तैयब इकरम ये पहले CEO थे जिनको अभी प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है FIH का है ना। चलिए FIH के न्यूली प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए तैयब इकरम है ना, तो ऑफ कोर्स ये पहले CEO थे तो अभी इनके जगह पे एक नए CEO भी आए होंगे। तो स्टूडेंट तो सबसे पहले FIH की अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1924 में, जिसका हेडक्वार्टर है लॉजेन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की मैं बात करूं, स्विट्जरलैंड का कैपिटल है होता है बर्न एंड करेंसी विल बी द फ्रैंक। सो स्विट्जरलैंड का कैपिटल है बर्न एंड करेंसी विल बी द फ्रैंक। सो हेडक्वार्टर हो गया लॉजेन स्विट्जरलैंड, दिस इज द हेडक्वार्टर ऑफ FIH। जबकि FIH की मैं बात करूं 1924 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, जिसके CEO का नाम है थेरीवे। मैंने कि अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि FIH के जो ये पहले जो CEO थे ये अभी बन गए FIH के प्रेसिडेंट, तो ऑफकोर्स यहाँ पे नए CEO भी बने होंगे। तो अभी न्यूली CEO जो बने हैं वो है थेरीवेल एंड प्रेसिडेंट बन गए आपके तैयब इकरम है ना, जो कि आप यहाँ पे इमेज में आप देख रहे हो। यहाँ पे एशियन हॉकी फेडरेशन AHF CEO मोहम्मद तैयब इकरम ऑफ ये पहले क्या बोलते हैं एशियन हॉकी फेडरेशन के CEO थे है ना। मकाओ वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन सक्सेसिंग इंडिया नरेंद्र बत्रा। पहले नरेंद्र बत्रा पहले प्रेसिडेंट थे, उनके जगह पर रिप्लेस होकर तैयब इकरम बनाए गए एज इट्स फुल टाइम चीफ। इकरम डिफीटेड मार्क क्या नाम है कॉड्रोन ऑफ बेल्जियम 7947 इन 48th FIH कांग्रेस हेल्ड वर्चुअली। द ड्यूरेशन ऑफ इकरम टर्म विल बी ऑफ 4 to 2 years, मतलब इनका जो टेन्योर होगा वो कितने दिन का होगा तो आप बता सकते हो 2 years। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल मोन्यूमेंट अथॉरिटी। तो देखिए नेशनल मोन्यूमेंट अथॉरिटी की अगर मैं बात करूं, इसके नए न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन है जिसका नाम है किशोर के बाशा इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल मोन्यूमेंट अथॉरिटी। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें करते हैं, किशोर कुमार बासा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द NMA। एग्जाम में स्टूडेंट ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NMA, तो आप बता सकते हो नेशनल मोन्यूमेंट अथॉरिटी। ही इज द वाइस चांसलर ऑफ द इंडियन नेशनल कॉन्फेडरेशन एंड अकेडमी ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट है ना। ये क्या है, ये वाइस चांसलर भी हैं इंडियन नेशनल कॉन्फेडरेशन एंड अकेडमी ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट के है ना। नेशनल मोन्यूमेंट अथॉरिटी इज सेट अप एज पर प्रोविजंस ऑफ द एंशियंट मोन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रामसार साइट्स है ना। चलिए
अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 2010, मतलब इसके इसको एक्चुअली बेसिकली पर्पस क्या गया है, जो रामसार साइट्स हैं या फिर आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं या फिर जितने भी एंशियंट मोनूमेंट्स हैं, इन सभी को देखरेख करने के लिए उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसका नाम है नेशनल मोनूमेंट अथॉरिटी, ठीक है। और इसके न्यूली चेयरमैन अपॉइंट किए गए किशोर कुमार बासा। बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। बढ़ते हैं स्टूडेंट आज की इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। सबसे पहली बात है, गोपाल विट्ठल अपॉइंटेड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ जीएसएमए। सो जीएसएमए के डिप्यूटी चेयरमैन अपॉइंट किए गए जिनका नाम है गोपाल विट्ठल। जीएसएमए क्या है? एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है कवरिंग मोबाइल इकोसिस्टम अक्रॉस कंट्रीज, है ना, जो मोबाइल इकोसिस्टम कवर करते हैं पूरे कंट्रीज में। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली लेवल पे है जिसका नाम है जीएसएमए। हैज इलेक्टेड गोपाल विट्ठल डिप्यूटी चेयर ऑफ द एसोसिएशंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ही हैज बीन अपॉइंटेड फॉर 2 ईयर्स टर्म्स। अगेन इनको 2 साल के लिए अपॉइंटमेंट दिया गया जिनका टेन्यूर स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक। ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ भारती एयरटेल ग्रुप। ऑफकोर्स ये चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं भारतीय एयरटेल ग्रुप के। जोस मैरी अल्वारेस पैलेट लोपेस सीईओ ऑफ टेलीफोनिक ग्रुप विल कंटिन्यू टू बी द चेयरमैन, है ना। तो इसके चेयरमैन कौन है? तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पढ़ रहे हो अल्वारेस, है ना, पैलेट लोपेस जो कि सीईओ हैं टेलीफोनिक ग्रुप के, है ना, टेलीफोनिका ग्रुप के, और ये ऑफकोर्स इसके चेयरमैन एज इट इज कंटिन्यू है। जीएसएमए की मैं बात करूँ, ये 1995 में इसको सेटअप किया गया जिसका हेडक्वार्टर है लंदन यूके। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की तरफ। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, देखिए एग्जाम में कैसे कैसे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। ऋतुराज अवस्थी को अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन। लॉ कमीशन के जो चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन है, इनको अपॉइंट किया गया एक पर्सन को जिसका नाम है ऋतुराज अवस्थी। आप इनको इमेज में भी देख सकते हो, है ना। चलिए, तो द यूनियन गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट ऋतुराज अवस्थी एज द चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के नए न्यूली चेयरमैन अपॉइंट किए गए, चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए जिस पर्सन का नाम है ऋतुराज अवस्थी। द कमीशन हैज बी reinstated after a gap of 4 years as the 22nd Law Commission. Avasthi served as the Chief Justice of Karnataka High Court during October 2021, July 2022. He was part of a bench that upheld the hijab ban in Karnataka. Hijab ban का केस आप लोगों ने सुना होगा, उसके ऊपर कर्नाटका में जो ये चल रहा था, है ना, उसके उसमें भी ये उस बेंच में भी ये इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बनता है, who is the Chief Justice ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, है ना, कोई बता सकता है? डी वाई चंद्रचूड़ इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कितने नंबर वाले चीफ जस्टिस बने? तो आप बता सकते हो 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की तरफ, है ना। अरुणा मिलर फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू बी इलेक्टेड एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ मैरीलैंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैरीलैंड जो कि यूएसए में है, इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया गया एक इंडियन अमेरिकन पर्सन, इंडियन ओरिजिन पर्सन। अभी आपको पता है ये यूके का कहानी आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना, जो वहाँ पे भी जो अभी प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, है ना, प्रिंस अपॉइंट किए गए, वो भी एक इंडियन है, ऋषि सुनक, है ना। तो अभी ये ट्रेंड चल रहा है कि भाई हमारे इंडिया जो है ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे प्राउड फील करवा रहे हैं हम लोगों को। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि चलो वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का नाम हो रहा है, इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अरुणा मिलर फर्स्ट इंडियन अमेरिकन है जिनको लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया गया यूएस का, है ना। एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अरुणा मिलर ऑन 8th नवंबर, अब देखिए इसके बारे में आपको एक बात बताता हूँ। अरुणा मिलर, आपको अगर आपको ये लग रहा होगा सर इंडियन ओरिजिन है तो किस स्टेट से बिलोंग करती, कहीं ये हमारे स्टेट से तो नहीं है? सो ऑफकोर्स ये बात आपको पता होना चाहिए, ये है बिलोंग करती हैं आंध्र प्रदेश से, है ना। सो अरुणा मिलर आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती थी, है ना, बाद में ये शिफ्ट कर गई यूएस में, है ना, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे बहुत, उनकी पूरी फैमिली शिफ्ट कर गई है बेसिकली, और वहाँ पे उन्होंने बहुत बार इलेक्शन में खड़ी हुई, है ना, कांग्रेस जो कि बोला जाता है वहाँ पे, वहाँ के पार्लियामेंट हैं, है ना, उनके थ्रू वो बहुत बार इलेक्शन में लड़ी, और इवन इस बार वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी पोस्ट उनको मिला है मैरीलैंड यूएसए से। चलिए, अरुणा मिलर ऑन 8th नवंबर 2022 स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन टू विन द रेस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर इन द स्टेट ऑफ मैरीलैंड यूएस।
She will also be the first South Asian woman to serve at such an important position. One of the most important, first South Asian woman. जब भी कभी first word हमारे news में आता है ना दोस्तों, तो इसको तो मान लो कि news याद करना ही है. By hook or by crook. Miller is a former executive director of Indian-American Impact Project. The lieutenant governor is the state's highest official following the governors. है ना? You all knows. चलिए बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की तरफ. बेंजामिन नेतन्याहू मेक्स कम बैक एज इजराइल्स प्राइम मिनिस्टर. देखना स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ बातें हम आपको जो कि आपको मैं बताऊंगा. बेंजामिन नेतन्याहू की अगर मैं बात करूँ, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर फिर से इन्हीं को अपॉइंट किया गया है दोबारा, है ना. तो अ कोलिशन लेड बाय द फॉर्मर इसराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैज वन 64 सीट इन द 120 सीट्स, है ना. 120 सीट में 64 इन्होंने विन किया एंड ये बन गए वहां के फिर से प्राइम मिनिस्टर, है ना. प्राइम मिनिस्टर नेर लैपिड कोलिशन वन 51 सीट. चलिए वॉट एवर, डजेंट मैटर, ये सब हमारे लिए मैटर कुछ भी नहीं करता है. बस मैटर हमारे लिए करता है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर फिर से कम बैक हो गए बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनेगा, है ना. नेतन्याहू हमारे नेतन्याहू इसराइल के प्रेसिडेंट कब कब सर्व किए थे वो आप यहाँ पे टेन्योर दे सकते हो. 1996 से लेकर 1999, अगेन 2009 से लेकर 2021, मतलब बोल सकते हो काफ़ी लंबे समय से ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के रूप में सर्व करते हुए आ रहे हैं. सो ऑफकोर्स इस बार भी वहाँ के सिटीजन इन्हीं को ही सेलेक्ट किया. तो बेंजामिन नेतन्याहू बन गए फिर से इसराइल के न्यू अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर, न्यू इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर. सॉरी, ही वॉज ऑस्टेड फ्रॉम पावर इन जून 2021 ऑन चार्जेस ऑफ ब्राइबरी एंड फ्रॉड. इनको ब्राइबरी एंड फ्रॉड के केस में इनके इनके ऊपर कुछ चार्जेस भी लगे थे, बट कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, है ना. हम लोग बस वही बोलते हैं ना भाई, उगते सूरज को सभी प्रणाम करते हैं, डूबते सूरज को प्रणाम नहीं करते हैं. बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. यहाँ पे इनके ऊपर कुछ केसेस आते हैं, जब भी कोई कुछ अच्छे अचीवमेंट करते हैं तो ऑफकोर्स उनके ऊपर कुछ केसेस चार्जेस वगैरह आते ही है ना. तो और अगर आप अच्छे पोजिशन में चले जाओगे ऑफकोर्स वो चार्जेस फिर से खत्म हो जाते हैं. तो यहाँ पे फर्क कुछ भी नहीं पड़ता है. बात करते हैं इसराइल की. तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टैटिक फैक्ट आपको समझ में आएंगे. इसराइल देखो, यहाँ पे मैंने मैप डाला है, तो मैप से आप ये समझ सकते हो ये वाला जो एरिया है ये आपका इसराइल वाला एरिया है ना. इसराइल की अगर मैं बात करूँ तो इसराइल का कैपिटल है जेरूशलम, है ना. ऑफकोर्स यहाँ पे आप दिख भी रहा है आपको ये जेरूशलम. सो इसराइल का कैपिटल है जेरूशलम एंड इसराइल की करेंसी शिकल, है ना. इसराइल की करेंसी क्या है? शिकल. अब यहाँ पे दिख रहा है आपको सीरिया, है ना, एक और कंट्री. देखो मैं ये डायग्राम देने का मतलब पर्पस क्या है हमारा स्टूडेंट, कि डायग्राम से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो एक कंट्री के नेबरिंग में कौन कौन सी कंट्री हैं. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सीरिया. सीरिया का कैपिटल है डमास्कस, डमास्कस, और करेंसी विल बी द पाउंड, है ना. यहाँ पे आप देख रहे हो जॉर्डन, है ना. जॉर्डन का कैपिटल है अम्मान, है ना. इजिप्ट, इजिप्ट कायरो, है ना, करेंसी पाउंड, है ना. चलिए यहाँ पे एक और कंट्री दिख रहा है आपको सऊदी अरब. सऊदी अरब का कैपिटल रियाद एंड करेंसी विल बी द रियल, है ना. चलिए लेबनान, यहाँ पे एक और कंट्री आपको दिख रहा है स्टूडेंट लेबनान. लेबनान का कैपिटल है बैरट एंड करेंसी विल बी द अगेन पाउंड. सो स्टूडेंट इसी तरह से एक्चुअली मेरे बताने का ये मतलब था कि कभी भी अगर कोई कंट्री का नाम दिख जाए तो कैपिटल और करेंसी तो बिल्कुल रट्टा मार ही लो, है ना. चलिए प्लस आपको अगल बगल के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, एक कंट्री के बगल में कौन सी कंट्रीज है, उसके बगल में कौन सी कंट्रीज, ये सभी भी आपको देखते हुए चलना है और याद करते हुए चलना है. चलिए तो स्टूडेंट आज का हमारा जितने भी नाइन अपॉइंटमेंट थे सारे के सारे खत्म हो गए. सो बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ. तो पहला इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि वाटर वीक टू बी सेलिब्रेटेड फ्रॉम 1st to 5th of November 2022. चलिए वाटर वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है 1 से लेकर 5 नवंबर के बीच में, है ना. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है कि अगर कभी भी एग्जाम में आ गया वाटर, वाटर सेफ वाटर हम लोग बराबर बात करते हैं इसके ऊपर में, तो वाटर वीक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कितने से कितने तारीख के बीच में, तो आप बता सकते हो 1 से लेकर 1st to 5th of November एवरी ईयर. इस बार का थीम क्या रहा सर, और ये इसका कौन सा एडिशन है, तो आप बता सकते हो 7th edition है. और इस बार का थीम रहा वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्वालिटी. चलिए बढ़ते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. वर्ल्ड वीगन डे इज ऑब्जर्व ऑन द 1st of November एवरी ईयर.
चलिए 1 नवंबर को हम लोग वर्ल्ड वीगन डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल। अब आपके मन में चल रहा सर ये वीगन क्या होता है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं है ना, तो बोल सकते हैं हम लोग ग्रीन है ना, ग्रीनरीज, ग्रीन बोल सकते हो आपको, ग्रीन फूड वो कहलाता है आपका वीगन है ना, ग्रीन फूड का ये करना एडवर्टाइज करना, ज़्यादातर हम लोग ग्रीन फूड खाएंगे है ना। अब इसमें देखिए इसमें चिकन मटन ये सब चीज़ इसमें नहीं आएगा, एग इसके अंदर में नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा ओनली ग्रीन वेजिटेबल्स इसके अंदर में एग्जिस्ट करेंगे। तो वर्ल्ड वीगन डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं 1 नवंबर को एवरी ईयर, एवरी ईयर वर्ल्ड वीगन डे इज ऑब्जर्व ऑन द 1 नवंबर। वेगनिज्म इज द प्रैक्टिस ऑफ द स्टेइंग अवे फ्रॉम द यूज ऑफ एनिमल प्रोडक्ट, ऑलरेडी मैंने अभी स्टूडेंट बताया, एक्सटेंडिंग द फिलॉसफी टू बैनिंग ऑफ कमोडिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ऑन दिस डे पीपल आर मेड अवेयर ऑफ द बेनिफिट ऑफ वेगनिज्म एंड हाउ इट इज सस्टेनेबल अप्रोच इन द एनवायरमेंट एज वेल। दिस डे वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द 1994 बाय द वेगन सोसाइटी इन द UK। कहाँ पे स्टार्ट हुआ, किस सोसाइटी के द्वारा स्टार्ट किया गया, ये भी हमारे लिए कभी कभार इंपॉर्टेंट बन जाता है PSC पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बैंक SSC पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो यहाँ पे बस और बस एक ही चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि वर्ल्ड वेगन वीक कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाता है। बट अगर मैं UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, APSC पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो वेगन क्या है, कहाँ से आया, कैसे हुआ, तो मतलब APSC और UPSC और किसी भी तरह की PSC की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे होता बेसिकली क्या है कि चीज़ों को बिल्कुल तोड़ के समझना है। तोड़ करने का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली डिप में उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के 3rd इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 7th of November एवरी ईयर। 7th of November एवरी ईयर हम लोग एक डे सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। चलिए अब ये नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, अब आपको पता है कैंसर एक ऐसा डिजीज है जो कि मतलब किसी में हो जाए, किसी के फैमिली में हो जाए तो उस बोला है तो उसकी फैमिली पूरा बर्बाद हो जाती है। अगर वो पुअर फैमिली है, अगर वो मिडिल क्लास फैमिली है, भाई रिच पीपल की तो बात ही कहीं नहीं होती, वो उनको कुछ भी होता है दे विल सर्वाइव, बट कितना भी सर्वाइव कर लो शरीर को तो बहुत ही कष्ट होता है। और कैंसर एक ऐसा डिजीज है जो कि क्योर बिल्कुल नहीं है, बहुत अगर फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज में है तो चलिए उसका तो क्योर हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा अगर थर्ड स्टेज फोर्थ बहुत दिक्कत है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं 4th नंबर न्यूज की तरफ। एक्चुअली मैं ये सब बातें इसलिए भी करता हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कैंसर को देखे होंगे तो उनको डर रहता है मन में, आगे बहुत चीजें ये सब चीजें होता है स्टूडेंट। चलिए इन्फेंट प्रोटेक्शन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 7th of November एवरी ईयर। 7th of November को हम लोग इन्फेंट प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल। चलिए वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 10th of November एवरी ईयर। और इस बार का थीम क्या रहा तो आप बता सकते हो, बेसिक साइंसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहली बात, ये जो वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ये जो सेलिब्रेट किया जाता है ये कब से सेलिब्रेट करना स्टार्ट हुआ तो बता सकते हो, 2002 में फर्स्ट टाइम यूनेस्को ने सेलिब्रेट किया, 2021 है ना, इट वॉज इस्टेब्लिश बाय यूनेस्को इन 2021 है ना, 2001 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, मतलब सोचा गया था चलो इसको सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन 2002 से इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट हुआ है ना। द मेन एम ऑफ दिस डे टू इंश्योर दैट सिटीजन आर कैप्ट इन्फॉर्म्ड ऑफ डेवलपमेंट इन साइंस। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ, PM मोदी डिक्लेयर्स राजस्थान मानगर धाम नेशनल मोनूमेंट है ना। देखिए पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर कर दिया है, राजस्थान का एक जगह है, एक प्लेस है जिसका नाम है क्या ना, मानगर धाम, इसको नेशनल मोनूमेंट के रूप में डिक्लेयर किया गया। तो सबसे पहली बात यहाँ पे एक बात बताता हूँ, ये कब किया गया, 1 नवंबर 2022 को किया गया है ना, ये राजस्थान का एक ये जो मानगर धाम जो कि नेशनल मोनूमेंट के रूप में डिक्लेयर किया गया, इट इज़ लोकेटेड इन राजस्थान। अब देखिए द धाम मेमोरियल ऑफ अराउंड 1500 ट्राइबल्स मस्कर बाय द ब्रिटिश आर्मी इन 1913 इज लोकेटेड इन द बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। देखिए कभी कभार आपके लिए डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट बनेगा कि बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में है तो आप बता सकते हो राजस्थान। ऑन द गुजरात राजस्थान बॉर्डर रीजन विथ लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन है ना, द गैदरिंग ऑफ ट्राइबल्स इन 1913 इन मानगर अगेंस्ट द ब्रिटिश वॉज लीड बाय सोशल रिफॉर्मर गोविंद गुरु। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ,
इंडिया सूर्य कुमार यादव बिकम वर्ल्ड नंबर वन टी ट्वेंटी इंटरनेशनल बैटर, है ना, बैट्समैन। चलिए सबसे पहली बात यहाँ पे बनता है कि इंडिया के सूर्य कुमार यादव जो है वो बन गए वर्ल्ड के नंबर वन टी ट्वेंटी इंटरनेशनल बैट्समैन, है ना। और यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, कौन कितना पॉइंट लिया। आप इसको स्टूडेंट, इसका पीडीएफ हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप इसके पीडीएफ को अच्छे से पढ़ना और समझना, कुछ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। और फिर भी कुछ दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करना। इंडियाज मैन स्क्वाश टीम विन देयर फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल, पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया का कोई स्क्वाश टीम मेन्स कैटेगरी में जो कि गोल्ड मेडल इंडिया लेकर आया। तो ऑफकोर्स ये मजे करने वाली बात है और प्राउड फील करने वाली बात है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब इंडिया गोल्ड मेडल विन किया है स्क्वाश में, है ना। देखिए हम लोग कहीं ना कहीं आज के डेट में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे इवेंट चला रहे हैं, जैसे खेलो इंडिया गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, है ना, ये सभी चला रहे हैं। रीजन पर्पस क्या है? पर्पस कुछ और नहीं है, पर्पस बस इतना ही है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है, हम लोगों को भी स्पोर्ट्स के फील्ड में क्या करना है, बढ़ करके आगे आना है। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। टू CRPF वुमेन ऑफिसर्स प्रमोटेड टू IG रैंक, है ना, IG रैंक फॉर द फर्स्ट टाइम। चलिए तो टू CRPF वुमेन ऑफिसर्स प्रमोटेड टू IG रैंक फॉर द फर्स्ट टाइम, इंपॉर्टेंट क्या बनेगा यहाँ पे? IG रैंक मतलब दो ऑफिसर जो है, मतलब वुमेन CRPF ऑफिसर है, इनको IG रैंक में प्रमोट किया गया पहली बार। जब पहली बार कुछ ये होता है, आप दोनों का नाम क्या है तो देखो, एनी अब्राहम वायल सीमा सीमा धुंधिया जो हैं, है ना, तो इन दोनों को प्रमोट किया गया है। चलिए स्टूडेंट अब यहाँ पे CRPF की अगर मैं बात करूँ, CRPF को इस्टेब्लिश किया गया 1939 में, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है डॉक्टर सुजय लाल थाउसेन, है ना। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट 10 नंबर न्यूज की तरफ। अरुणाचल प्रदेश टू गेट नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फिश म्यूजियम, जब भी कभी ऐसा कुछ न्यूज आता है रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमारा नॉर्थ ईस्ट डेवलप कर रहा है, आज इंडिया के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश टू गेट नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फिश म्यूजियम, नॉर्थ अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट का पहला ऐसा स्टेट बन गया जिसके पास फिश म्यूजियम होने जा रहा है, ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है आपका ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के CM का नाम है आपका पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम है ब्रिगेडियर BD मिश्रा। चलिए यहाँ पे लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है आपका 1, ठीक है। अरुणाचल की मैं बात करूँ तो जितने भी ज़्यादा ज़्यादा हो सकता है सारे के सारे न्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। KSRTC है ना, केरला स्टेट, है ना, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है, बिग सेंट्रल गवर्नमेंट अवार्ड फॉर बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए केरला स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को, है ना, फर्स्ट बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए ये सेलेक्ट किया गया। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस हाँ वन लाइनर आप इसको याद रख सकते हो। सबसे पहली बात यहाँ पे करते हैं केरला का, केरला की मैं बात करूँ तो कैपिटल आप सभी को पता है तिरुवनंतपुरम। केरला की मैं अगर मैं बात करूँ CM का बात, पिनरई विजयन। केरला की मैं बात करूँ गवर्नर का तो आरिफ मोहम्मद खान इज द गवर्नर ऑफ केरला। चलिए तो इस तरह से स्टूडेंट जितने भी तरह के न्यूज आते हैं हम बस आपको थोड़ा थोड़ा बताते जाते हैं और आप इसको डिस्क्रिप्टिव में और भी एक्सप्लेन करके समझना, फाइंड आउट करना। यू ऑल हैव द गूगल, आप लोग गूगल यूज करते ही हो। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं 12 नंबर न्यूज की तरफ। राइजिंग सन वाटर फेस 2022 कुलमिनेट्स इन मेघालय। देखिए सबसे पहली बात मेघालय, फिर से एक नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड न्यूज आया हमारे पास, है ना, राइजिंग सन वाटर फेस्ट, है ना, राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 इस बार मेघालय में ऑर्गेनाइज किया गया और मेघालय में एक लेक है उमियम लेक जहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया 5th ऑफ नवंबर 2022 को। मेघालय की अगर मैं बात करूँ तो मेघालय का कैपिटल आप सभी को पता है शिलोंग है, है ना, और मेघालय की अगर मैं CM की मैं बात करूँ तो मेघालय के CM का नाम है कॉनराड संगमा, है ना, और अगर गवर्नर की मैं बात करूं तो गवर्नर जो अरुणाचल के गवर्नर है ब्रिगेडियर BD मिश्रा, ऑफकोर्स यही यहाँ के गवर्नर है ब्रिगेडियर BD मिश्रा, है ना। एक और बात, मेघालय में पहले टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट था 11, है ना, डिस्ट्रिक्ट, और अब इसमें एक नया डिस्ट्रिक्ट एड हो गया तो अब टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो गया मेघालय में 12,
ईस्ट वेस्ट खासी हिल्स, ये न्यूली डिस्ट्रिक्ट ऐड किया गया मेघालय में। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट 30 नंबर ऑफ न्यूज की तरफ। सुभाष बाबू फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू रिसीव बैली के एस्फोर्ड मेडल, बैली के एस्फोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया। इंडिया के पहले साइंटिस्ट बन गए सुभाष बाबू को, है ना। अब देखिए डॉक्टर सुभाष बाबू हैज रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस बैली के असरोफ मेडल फॉर 2022 एंड द फेलो ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन अवार्ड फॉर 2022। ही हैज बीन अवार्डेड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग रिसर्च एंड कंट्रीब्यूशन टू ट्रॉपिकल मेडिसिन। In its 82 years history, the award has never been given to an Indian scientist and Indian institution for work, है ना। आज से पहले कभी भी किसी को भी ये अवार्ड नहीं दिया गया। सो पहले साइंटिस्ट बन गए सुभाष बाबू। साइंटिस्ट की मैं बात करता हूँ तो आपके मन में चलेगा इसरो का नाम, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया के स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, क्या नाम है, यूएसए के स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, है ना, नासा, NASA। अच्छा यूके, यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, उक्षा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप याद, जापान के स्पेस एजेंसी का नाम है जक्षा, है ना। चलिए तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट याद रखना पड़ेगा और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। इसरो की अगर मैं बात करूँ, इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। और इसरो की अगर मैं बात करूँ, इसके चेयरमैन का नाम एस सोमनाथ इस प्रेजेंट द चेयरमैन ऑफ इसरो। सो हम बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। इंडोनेशिया हैंड ओवर G20 रिलीजियस फोरम प्रेसिडेंसी टू इंडिया, है ना। इंडोनेशिया हैंड ओवर G20 रिलीजियस फोरम प्रेसिडेंसी टू इंडिया, मतलब इंडोनेशिया ने हैंड ओवर कर दिया इंडिया को। चलिए इंडोनेशिया ऑन 3rd नवंबर 2022 हैंडेड ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द R20 समिट द रिलीजियस ग्रुपिंग ऑफ द G20 टू इंडिया विच न्यू दिल्ली विल होस्ट इन 2022, जो कि न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। R20 इज अ पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ G20 इवेंट इनिशिएटेड अंडर इंडोनेशिया G20 प्रेसिडेंसी। इट इज अ बींग हेल्ड फ्रॉम नवंबर 2 to 3 in Bali, Indonesia, to mobilize global leaders to help ensure that religious functions as an open and dynamic sources of solutions. चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड मालाबार नवल एक्सरसाइज इन जापान। मालाबार एक्सरसाइज में इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करने के लिए जापान में है, ठीक है। या फिर ये जो मालाबार नवल एक्सरसाइज इस बार जो जापान में होने वाला, इसमें इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे पहली बात आती है मालाबार एक्सरसाइज, दूसरी चीज़ें आता है जापान। जापान की मैं बात करूँ, जापान का कैपिटल है टोक्यो, करेंसी विल बी द येन, है ना। इंडिया इज पार्टिसिपेट इन 26th इंटरनेशनल मालाबार नवल एक्सरसाइज बिगिंस इन योकोशुका ऑफ जापान। इन द मालाबार नवल एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग। इसमें और कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट कर रहा है इस मालाबार नवल एक्सरसाइज में, तो आप बता सकते हो, नंबर 1 है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 है जापान, नंबर 3 है यूएसए। द नवल फोर्स ऑफ दिस कंट्रीज विल टेक पार्ट इन द एक्सरसाइज टिल 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ। इंडियन नवल शिप शिवालिक एंड कामोर्ता आर रेडी टू डेमोन्स्ट्रेट एट द इवेंट, मतलब इंडिया का दो शिप रेडी है जाने के लिए। चलिए एडवर्ड कैंडी कन्फेयर्ड फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार ऑनर, है ना। मतलब एडवर्ड कैंडी, इनको फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार ऑनर से सम्मानित किया गया। चलिए अब ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड किसको, मतलब ये जो दिया गया किसको दिया गया, बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना कन्फेयर्ड द प्रेस्टिजियस फ्रेंड ऑफ लिबरेशन वार, जो कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हो, यही है शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना। चलिए ऑनर्स ऑफ द यूएस सीनेट एडवर्ड एम कैंडी पोस्थ्यूमसली ऑन 1st नवंबर 2022 इन ढाका, है ना। चलिए ही हैज बीन कन्फेयर्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द टू द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। इनका जो बांग्लादेश में कॉन्ट्रीब्यूशन में इनको पार्टिसिपेशन था, जिसके लिए अवार्ड इनको दिया गया। कैंडी टुक सेवरल स्टेप टू स्टॉप यूएस मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड टू पाकिस्तान टिल द एंड ऑफ द ईयर। बांग्लादेश लिबरेशन वार कब हुआ था सभी को पता है, मार्च 1971 से लेकर दिसंबर 1971 तक चला था ये वार। अरुणा साइराम ऑनर्ड विथ क्या नाम है सेवेलियर अवार्ड बाय फ्रेंच गवर्नमेंट। फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा सेवेलियर अवार्ड अरुणिमा साइराम को दिया गया।
कर्नाटिक वोकलिस्ट, कंपोजर, कोलाबोरेटर, क्या नाम है, ह्यूमैनिटेरियन एंड स्पीकर अरुणा साईराम को ये अवार्ड फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि फ्रेंच गवर्नमेंट का हाईएस्ट ऑनररी अवार्ड है, ये दिया गया। चलिए बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। बट इससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, सी वॉज ऑल्सो इलेक्टेड एज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द संगीत नाटक अकेडमी। ये वाइस चेयरमैन भी रह चुकी हैं संगीत नाटक अकेडमी का। फ्रेंच ऑथर जिसका नाम है रेने नाबा, इन्होंने एक बुक्स रिलीज किया जिसका नाम है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। तो एग्जाम में कभी भी आ गया न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, दिस बुक इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच पर्सन, एक ऑथर का नाम आएगा तो आप बता सकते हो, रेने नाबा। रेने नाबा इज रिलीज्ड अ बुक जिसका नाम है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। स्विट्जरलैंड creates record for operating the longest passenger train, one of the most important point। इंडिया का की बात नहीं बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन कौन से कंट्री ने स्टार्ट किया, तो आप बता सकते हो, स्विट्जरलैंड। कितना लंबा है भाई, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। 1910 मीटर लॉन्ग ट्रेन हैज 100 कोचेस विद अ टोटल ऑफ 4550 सीट्स, मतलब 1910 इतना मीटर लंबा ट्रेन, आप समझ सकते हो, लगभग 2 किलोमीटर लंबा कोई ट्रेन भी हो सकता है ना। और ये और ट्रेन तो वैसे हो सकते हैं, लेकिन पैसेंजर ट्रेन जिसमें आदमी भरे रहेंगे, आप इमेज में देख रहे हो कितना लंबा, ये देखो ये इस तरह से ट्रेन चल रहा है ना, ये पूरा इतनी लंबी मतलब पैसेंजर ट्रेन स्विट्जरलैंड ने स्टार्ट किया है। और ये इंडिया का नहीं, स्विट्जरलैंड का नहीं, सॉरी, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ट्रेन ये बन गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। बट स्विट्जरलैंड की मैं बात करूं तो स्विट्जरलैंड का कैपिटल है आपका बर्न, करेंसी विल बी द फ्रैंक। चलिए बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। विनिंग द इनर बैटल, अगेन एक बुक लिखा गया और इसके राइटर हैं सैन वैटसन, है ना, सैन वैटसन के द्वारा एक बुक लिखा गया जिसका नाम है विनिंग द इनर बैटल। तो मैं आपको बार बार एक बात बताता हूँ, जब भी कोई बुक्स का नाम आता है तो बुक्स के अंदर में क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, बुक्स का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा और उसके राइटर का नाम क्या है वो इंपॉर्टेंट बनेगा। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। मैक्स वर्स्टपन, देखिए मैक्स वर्स्टपन विन द 2022 मैक्सिकन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। अब देखिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, सबसे पहली बात नेक्स्ट में मैं जा रहा हूँ और इसमें पूरी फुल डिटेल्स हमारे पास। मैक्स वर्स्टपन इस साल सबसे ज्यादा ग्रैंड प्रिक्स टाइटल विन करने वाले बन गए हैं। जैसे आपको पता है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल, मियामी जीपी, इमालिया रोमाग्ना, सऊदी अरेबियन, अजरबैजान, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, डच ग्रैंड प्रिक्स, बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स एंड इटालियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। ये सारे के सारे ग्रैंड टाइटल्स विन करने वाले एक ही पर्सन है, आप देख रहे हो, मैक्स वर्स्टपन। और ऑफकोर्स ये किसके तरफ से खेलते हैं, रेडबुल की तरफ से खेलते हैं। और ये कहां से बिलोंग करते हैं, तो आप बता सकते हो, नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। सो स्टूडेंट आज का जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज थे सारे के सारे हमने कवर कर लिए। और अगर कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी क्वेरीज हो, किसी भी तरह का डाउट हो, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, सो दैट हम आपके डाउट को कर पाएं। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट ओबिचरी सेक्शन की तरफ। सबसे पहला जो है वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट एंड सेवा फाउंडर एला भट्ट पास्ट अवे रिसेंटली, है ना, एला भट्ट जिनका रिसेंटली डेथ हो गया है, ये वुमेन राइट एक्टिविस्ट एंड सेवा फाउंडर हैं। चलिए सेवा फाउंडर क्या होता है भाई, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन की फाउंडर रह चुकी है ना, जिनका नाम है एला भट्ट, जिनका रिसेंटली डेथ हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 1985 में, पद्म भूषण अवार्ड मिला था 1986 में। अगर कोई भी पर्सन को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या किसी भी तरह का इंडिया का हाईली रिकग्नाइज्ड अवार्ड अगर दिया जाए तो वो नीच हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं आज के सेकंड इंपॉर्टेंट ऑबिचरी की तरफ। इंडिया फर्स्ट वोटर डाइस इन हिमाचल प्रदेश। आप देख रहे हो ये पर्सन, ये वही पर्सन जिन्होंने इंडिया में पहली फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने वोट दिया था, है ना, इंडिया फर्स्ट वोटर जिसका नाम है श्याम शरण नेगी, है ना, श्याम शरण नेगी, जिनका रिसेंटली डेथ हो गया 5 नवंबर को। और ये रेसिडेंस थे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के, है ना, किन्नौर जगह से ये बिलोंग करते थे हिमाचल प्रदेश के। और ये इंडिया के फर्स्ट वोटर थे और इनका रिसेंटली डेथ हो गया। तो ऑफकोर्स जब कोई भी न्यूज में या ओबिचरी हो या फिर अपॉइंटमेंट हो, अगर किसी में भी अगर फर्स्ट वर्ड लग जाता है तो ऑफकोर्स वो न्यूज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। इलेक्शन कमीशन की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी को पता है इलेक्शन कमिश्नर एट प्रेजेंट हु इज द सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो आप बता सकते हो राजीव कुमार एट प्रेजेंट है,
सो बढ़ते हैं थर्ड इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की तरफ, जिसका नाम आपने सुना होगा, जमशेद जे ईरानी, जो कि जिनको स्टील मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, जिनका रिसेंटली डेथ हो गया। अब इनके बारे में कुछ बातें मैं बताता हूँ। जैसे आपने सुना होगा जमशेद टाटा, टाटा नगर जमशेदपुर का नाम सुना होगा, ऑफकोर्स इन्हीं के नाम पे वो जगह का नाम पड़ा है। और ये कहाँ पे है जमशेदपुर? जमशेदपुर इट इज़ लोकेटेड इन झारखंड। और एक क्वेश्चन जो कि बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि जमशेदपुर इज लोकेटेड ऑन विच बैंक ऑफ द रिवर, तो आप बता सकते हो स्वर्ण रेखा। चलिए स्टूडेंट, सो आज हमारा ये तीन ओबिचेरी था और कुछ न्यूज़ थे और कुछ अपॉइंटमेंट थे। तो स्टूडेंट हमने एक से लेकर दस तक जितने भी तरह के इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे, अपॉइंटमेंट थे, ओबिचेरी थे, सारे के सारे हमने कवर के लिए। होप सो ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से हमारा साथ देते रहें और हम आपके लिए नई नई चीज़ें लेकर आएंगे। बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।